सामने जो एक शिप दिख रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान की साइड से। तो कैप्टन साहब इसकी डेप्थ कितनी होगी सी की इस जगह पे? डूब के देख लो। केला हेलो केला जी गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे टू। और आज भी मैं सोमनाथ में ही हूँ और सोमनाथ में अभी 6:30 बज गई है। अभी तक मतलब उछाला भी नहीं हुआ है क्योंकि ये वेस्ट साइड है इंडिया की तो यहाँ पे सनराइज थोड़ा लेट होता है। और अभी मैं ये सोमनाथ मंदिर की वॉल है पीछे की साइड बैक में और मैं जा रहा हूँ बीच की साइड अकेले सुबह सुबह उठ के। बाकी सब लोग सो रहे हैं वहीं धर्मशाला में जहाँ पे हमने रूम लिया था। एक जो सबसे अच्छी बात लगी मेरे को सोमनाथ टेम्पल की कि यहाँ पे रश नहीं होता है, मतलब कुछ टाइम पे ही होता है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। सावन के टाइम पे शायद तभी रश होता होगा क्योंकि यहाँ का अरेंजमेंट ना बहुत प्रॉपर है और सिटिंग का मैनेजमेंट और जो कुछ भी चीज़ें हैं ना यहाँ का ट्रस्ट बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत बड़ा कैंपस बना रखा है यहाँ पे मंदिर का। गाइस तो मेरे तीन साथी और आ गए। क्यों भाई मेरे तीन साथी हो? दो छोटे छोटे साथी हैं जो कि पीछे पीछे दौड़ लगाते लगाते आ गए। इनको क्या भूख लगने लग जाती है अभी आते से? अभी यहाँ प्लास्टिक के खिलौने खाने लग जाएंगे। क्यों क्यों छोटे साथी? हाँ छोटे चूहे बड़ा चूहा। ओशन बीच पे जाने का रास्ता क्या पता? हाँ देखे तो सही, अभी तो रास्ता बंद है। जो एक पहले आगे वाला रास्ता था बीच पे जाने का वो बंद था। यहाँ पे एक दूसरा रास्ता है टिकट लेने के लिए यहाँ से। क्या बात? कौन सी मछली खाएगा तू? ऑक्टोपस केकड़ा। हम आदविक को लेके आ चुके हैं समुद्र के तट पे और अब आदविक मुंह से मछली पकड़ने जाएगा। हाँ। कितनी मछली पकड़ लेगा मुंह से तेरे? एक भी नहीं। केकड़ा पकड़ने जाएगा और ये सीधा रास्ता जाके खत्म होता है समुद्र में। आवाज आई पानी की? और गाइस कंचना वाली बीच जो देखी होगी वो भी ऐसी तीसरा दरवाजा रहता है और ऐसी बीच पे मंगलसूत्र निकालती है कंचना। मंदिर भी है। वो मंदिर भी है पास के अंदर यहाँ से। यही बीच थी मेरे को तो लग रहा है क्या। पर एक चीज़ बहुत गंदी है, लोग गाइस यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पन्नी कचरा फेंक के चले जाते हैं बहुत सारा। और याद देख जैसा बच्चा भी बिस्किट का पैकेट लेके आया, कचरा तेरी जेब में रख के ले जाना। इतनी तेज आवाज आ रही है तो खींचेगी भी कैसे? ये बनती गई से लहर अब इधर तक घुमा लो भैया, वो आगे लोग खड़े हैं वहां तक। जा हे अच्छा अरे एक बार और भगाओ, एक बार और भगाओ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो गाइस हमारा ट्राइपॉड बहुत गंदा हो चुका है और पीछे से सनरेज हो रहा है और यहाँ पे इन लोगों ने गोबर ओवर कर दिया। ये क्यों चप्पल कहाँ दे रही? ये बड़े गंदे लोग हैं गाइस, गोबर कर देते हैं। रिदु चल। वेलकम टू गोवा गोवा सोमनाथ। जल्दी चल। कलर इसी अड्डी है वाली का। आओ चल ब्रह्मास। क्या पढ़ता था ऋषि? ब्रह्मास्त्र। पढ़े लिखे अनपढ़। पढ़े लिखे अनपढ़ सोसाइटी। चलो जल्दी चलो, बस छूट जाएगी नहीं तो अपनी। तो गाइस मेरे को इनने सारे बच्चों ने जैकेट पकड़ा दी। इतने बड़े बच्चे ने भी जैकेट पकड़ा दिया मेरे को। ये सफेद कपड़े वाला बच्चा। और अभी हम सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने पीछे मंदिर दिख रहा है और यहाँ पे महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। कौन से महाराज हैं? सोमनाथ। कितनी सुंदर है मुस्कान, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। देखो बोल रही आंटी जी कितनी सुंदर है, पूछ रही है कि बता रही है। उठ रहा इधर से, वो छोटा वाला उठा ले, बड़ा वाला मैं उठा लूंगा। मम्मी कौन सा भी होगा खा रहा? मुझे भी कम शक्कर वाला। कम शक्कर वाला? कम शक्कर का नारियल पानी। हाँ दादी ने कम पानी वाला नारियल दिया। भाई साध्विक और हमारी एक सीट है और साध्विक यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर मिले हमको बस में, हमारे छोटे से सब्सक्राइबर जो कि हमारा व्लॉग देख कर हमसे बड़े खुश हुए हमसे मिलकर। तो इन्होंने बोला कि उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इनको भी व्लॉग में ले लो, तो अपन ने व्लॉग में डाला और इनका ही व्लॉग आएगा। तो फेवरेट यूट्यूबर कौन है तेरा? सब है। तो बस में केले वाले केला खा लो, केला खा लो। ये क्या चीकू है क्या? तुम दोनों नहीं खा रहे? क्या खा रहे हो? आपको बुला रहे हैं नाश्ता करने के लिए, आप लोग को गुजराती। हम लोग भी आ रहे हैं गुजराती ढोकला। तो बस का सफर यही समाप्त, द्वारका का लास्ट स्टॉप है। हाँ और कुछ तो नहीं था, बस यही था। अच्छा सारे 6 घंटे के बस के सफर के बाद होटल की और एक बार फिर से वेलकम टू द्वारका। परसों तुम आए थे घर से जब नहाए थे, उसके बाद से तुमको 2-4 आ गए। और ये हमारी छोरी आ गई है। क्यों छोरी? बच्चों को पीछे नहीं, बच्चों को इधर आगे पैर में। ₹50 एक सवारी। 10 रुपए लगते हैं। 50 50 50 50 ले लेना। अरे यार 30 30 नहीं, 50 50 रुपए लगेंगे। इधर इधर चलो, हटो दूसरा गिरा दो। सर
अरे वो ना ये हरामी बच्चा है इसको गोदी गोदी कर गंदी कर दिया ऋषि डाटा खा लेगा डाटा खाने इंडिया के लास्ट कॉर्नर पे गुजरात में भी लोग क्रिकेट खेलते चलो गाड़ी चलाओ कैप्टन रुदीमा सिंह खड़ी रुदीमा ने कैप्टन बदल दिए कैप्टन राजेश सिंह आ गए कैप्टन अनिकेत सिंह जो हमारे को कैप्टन है उन्होंने सबको नीचे बैठने के लिए बोला है क्योंकि आगे का दिखता नहीं है यहाँ पे क्या ब्लर हो जाता है। और कैप्टन रिधिमा यहाँ पे कांटेक्ट कर रही है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो तो आसपास के शिप वाले मदद करने के लिए तुरंत आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो कैप्टन साहब इसकी डेप्थ कितनी होगी सी की इस जगह पे? डूब के देख लो डूब के देख लो इससे क्या पागल होगा मारो हमको पता चल जाएगी एक डुबकी मार के देख लो और टेंशन मतलब टाइटैनिक नहीं है टाइटैनिक है सिर्फ कैप्टन कैप्टन के लिए दो कैप्टन यहाँ दो कैप्टन यहाँ और बाकी पीछे पूरा खाली है ये क्रू है हमारे दो क्रू के फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ और बाकी जितने भी पैसेंजर्स हैं यहाँ आगे पीछे साइड में किधर और बाकी पीछे बैठे हुए बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ ट्रैवलिंग करके पैसे तो नहीं लोगे ना हमसे आपने टिकट नहीं करवाई क्या नहीं टिकट नहीं हम आपसे आपका वीडियो बना रहे हैं तो हमारे वहाँ जो टिकट नहीं करवाते ना उनको बीच सीट में फेंक देते हैं अरे ऐसा तो यहाँ तो वो उनको कोई दूसरी शिप मिल जाए तो ठीक है नहीं तो वो तैरते आते हैं। अच्छा ऐसा है क्या और हम लाइट से जैकेट भी नहीं देते साथ में और आपके इसमें जैकेट वैकेट तो कुछ सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है भगवान के नाम पे चलता है यहाँ पे भगवान भरोसे से द्वारकाधीश बोल के चलते हम शिप का नाम है भगवान भरोसे से हमारे नहीं है हमारे साथ आएंगे इस ब्लॉग पर। तब हम इस जांच के अंदर बैठे थे तब जितने पैसेंजर्स थे सब फोटो ले रहे थे और कबूतर को दाने खिला रहे थे लोगों के पास दाने भी खत्म हो गए हैं और फोटो मेमोरी भी फुल हो गई सबके फोन की जितने भी थे जब शिप चालू हुआ था सारे फोटो ले रहे थे इधर से ले गए इधर पर अब क्या कबूतर ने उनके ऊपर बारिश कर करके सबको साथ बिठा दिया अब सब सोच रहे हैं कि बच्चे कैसे कबूतर की बारिश से आप समझ पा रहे हैं मैं किस बारिश की बात कर रहा हूँ कैप्टन साहब बताएंगे किस बारिश की बात कर रहे हैं जो खाना आप कबूतरों को खिलाते हैं वो खाना वो आपको रिटर्न कर देते हैं। अच्छा कैप्टन आपके ऊपर तो आपको कभी खाना नहीं दिया ना कभी कबूतर ने अच्छा आप अंदर बैठते हैं तो आप रिटर्न में भी अंदर ही बैठ के आएंगे। अच्छा ओके धन्यवाद
ये आगे से गाइडेंस देते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड है, आगे कुछ भी नहीं दिखता, तो बताते हैं गाइड करते कि लेफ्ट लेना है या फिर राइट लेना है। और बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे आप कितना बढ़िया कैबिन है यहाँ पे, ये कैबिन और 1780 का ये स्टेयरिंग है, और वो इंडिया कोलम्बस इसी शिप से इसी स्टेयरिंग से यहाँ पे आया था इस आईलैंड की खोज करने। इनसे जब स्टेयरिंग ले लिया था मैंने। क्या है देख थोड़ी दे सकते हैं आप। नागेश्वर करना अपने को। कितनी दूर है वहाँ से नागेश्वर? वहाँ से होगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटा? हाँ ज्यादा नहीं है। वहाँ तो अपन इतना आए थे ना 1.5 घंटे में, ओखा है अपन, ओखा से अपने को वापस उधर चलना है नागेश्वर, फिर नागेश्वर दर्शन करके वापस अपन द्वारका चलेंगे। हाँ? मतलब अपन 10 बजे पहले नहीं पहुंचने वाले हैं ना यार? जी हाँ, 10 बजे के पहले रूम में नहीं पहुंचने वाले हैं ना अपन। नींद तो नहीं आ रही है, पूछ रही मैं टाइम पहुँच जाएंगे अपन आराम से चलेंगे, 11 बजे तक चलना ही है अपने को। और क्या, अभी द्वारका के दर्शन भी कर लेंगे अपन, फिर कल सुबह 6 बजे वहाँ चलेंगे। 10 किलोमीटर है यहाँ से नागेश्वर, 15 किलोमीटर। तो वो रास्ता खराब है ना पर पूरा। हाँ गाइस, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल बोट के सीके इसके ऊपर, बोट के आखिरी कोने के ऊपर। चालू होता है ख़त्म भी होता है। और आगे का व्लॉग इसके फ़ोन से शूट करेंगे मुस्कान के, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो थोड़ा क्वालिटी का इशू हो सकता है शायद। नहीं होगा, सैमसंग का है मेरा। सैमसंग का फोन है इसके पास भी, देखते हैं कैसा क्या वीडियो आता है। और आगे की यात्रा अपन अभी के अपने पायलट यहाँ बैठ गए हैं, कैप्टन सॉरी, वहाँ से ही फोटो आ रहा है और यहाँ से ही फोटो आ रहा है। सामने जो एक शिप दिख रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान की साइड से। So guys, right now we are in नागेश्वर महादेव, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे बैक कैमरा से। I hope you all like the second day video of Somnath trip. और पीछे का आसमान बड़ा ही प्यारा हो रहा है, तो इस आसमान को देखते हुए जितना प्यारा है आसमान है उतना अच्छा आपका लाइक कॉमेंट, अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो, अगर सब्सक्राइबर ना हो और ना हो चैनल पे तो कर देना। बाय बाय।